मरु मंगला। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं केयर्न ऑयल एंड गैस वेदांता लिमिटेड। कार्यक्रम के श्रोताओं को सुषमा का नमस्कार। दोस्तों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक खास प्रोग्राम मरु मंगला। एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम बात करेंगे एक ऐसे इलाके की जहां आज से 20 साल पहले विकास के नाम पर ज्यादा कुछ कहने को नहीं था और जहां से हर साल नौकरी की तलाश में अपना घर बार छोड़कर दूसरे इलाकों की तरफ पलायन करने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक थी। और अगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करें तो वो एक सपने जैसी थी, लेकिन आज जब हम उस इलाके की बात करते हैं तो गर्व से हमारा सर ऊंचा हो जाता है। इस क्षेत्र ने राजस्थान को दुनिया के एनर्जी मैप पर शाइनिंग स्पॉट पर लाकर खड़ा कर दिया। यहाँ से अब भारत के घरेलू क्रूड ऑयल प्रोडक्शन का लगभग 20% तेल निकाला जाता है। इस खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे थार रेगिस्तान की, बाड़मेर और जालौर जिले में फैले ऑयल फील्ड्स की, उनकी विकास यात्रा की। दोस्तों, यहाँ जब से वेदांता समूह की केयर्न ऑयल एंड गैस ने ऑपरेशन शुरू किया है, बाड़मेर जिले में प्रति व्यक्ति आय में 650% की वृद्धि दर्ज की गई है। और अगर हम देखें तो ये राष्ट्रीय और राज्य दोनों की औसत से ऊपर है। इस विषय में वेदांता चेयरमैन अनिल अग्रवाल का मानना है कि संस्थान के सभी कार्यों में महिलाओं की भागीदारी 30% से भी अधिक होनी चाहिए। इसी विजन को आगे बढ़ाते हुए इस महत्वपूर्ण कार्य में महिलाओं की भागीदारी दुर्गा वाहिनी के जरिए सुनिश्चित की गई है और उन्हें प्रसन्नता है कि महिला सुरक्षा कर्मी इसमें प्रभावी भूमिका निभा रही हैं। आइए अब सुनते हैं वेदांता चेयरमैन अनिल अग्रवाल का विजन। राजस्थान के ऊपर ईश्वर की सबसे ज्यादा कृपा है, क्योंकि यहाँ ऊपर से भी धन बरसता है और नीचे भी धन है। ऊपर से इतना यहाँ पे सूर्य का प्रकाश है कि दुनिया में सबसे ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी यहाँ पैदा की जा सकती है। और नीचे में ये मिडल ईस्ट भी है, ये कनाडा भी है, ये साउथ अफ्रीका भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है। तीनों जगह में जो जमीन के अंदर होता है वो सारा हमारे राजस्थान में है। आप चाहे ऑयल एंड गैस ले लो, चाहे आप सोना ले लो, चांदी ले लो, कॉपर है, रॉक फॉस्फेट है, पोटैश है, फर्टिलाइजर है, ये सारे की सारी चीजें हमारे राजस्थान की धरती के नीचे हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास जो हमारे लोग हैं वो मेहनती लोग हैं। हमारे राजस्थान के सबसे ज्यादा मेहनती लोग हैं, क्योंकि हमारे बचपन से ही हम लोग मिलों से पानी लाते हैं, हमारी औरतें मिलों से पानी लाती हैं, हमारे घर में चक्कियां चलाती हैं, तो हम तो नेचुरल हम लोग मेहनती हैं। तो अभी आपने सुना वेदांता चेयरमैन अनिल अग्रवाल का विजन कि वो राजस्थान में विकास की संभावनाओं के बारे में क्या सोचते हैं। इस विकास की यात्रा को आगे बढ़ाएंगे इस मधुर गीत के बाद। चल पुरानी आज छोड़ दे, सोचनो वो अपनायो रे। चल पुरानी आज छोड़ दे, सोचनो वो अपनायो रे। हुनर बदेला काम बदेला, घर घर मंगला गायो रे। हुनर बदेला काम बदेला, घर घर मंगला गायो रे। सुख आयो रे, अब जीवन हर सायो रे।
आयो रे सुख आयो रे अब जीवन हर सायो रे। जमानो आज अंगेजा नुवो जमानो आज अंगेजा ओ संदेशो आयो रे आयोरे सुख आयो रे सुख आयो रे अब जीवन हर सायो रे आयो रे सुख आयो रे जीवन हर सायो रे अब 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 जीवन हर सायो रे। एक बार फिर आप सभी का स्वागत मरुमंगला में, जिसमें हम झलकियों, फील्ड में लोगों से की गई बातचीत और मनोरंजक गीतों के माध्यम से विकास की यात्रा पर निकल रहे हैं। दोस्तों, भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ राजस्थान ऑयल ब्लॉक ने अपने आसपास की सामाजिक आर्थिक स्थितियों को सुधारने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जल, जैव विविधता, शिक्षा, महिला और बाल विकास की पहलों ने इस क्षेत्र के 8 करोड़ से अधिक लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। इसने समृद्ध सामाजिक संपदा उत्पन्न की है, जो आज पश्चिमी राजस्थान के बदले हुए परिदृश्य और आजीविका में दिखाई दे रही है। गत 13 वर्षों में तेल क्षेत्रों के आसपास सामाजिक और आर्थिक पक्ष भी मजबूत हुआ है। हर साल रोजगार की तलाश में होने वाला पलायन रुक गया है। इस विकास की यात्रा में नंदघर योजना एक महत्वपूर्ण पहल है। तो आइए सुनते हैं वेदांता चेयरमैन अनिल अग्रवाल क्या कहते हैं। राजस्थान के बच्चे, एक भी बच्चा माल न्यूट्रिशन नहीं रहे, उसने क्या गुनाह किया है? बड़े आदमी बोल सकते आप काम कर सकते हो। छोटे बच्चों को पौष्टिक आहार मिले, उनको अच्छी शिक्षा मिले, इंग्लिश मीडियम से भी शिक्षा मिले, वो हिंदी भी बोल सके, अंग्रेजी भी बोल सके, उनका स्वास्थ्य का ध्यान रखें मॉडर्न तरीके से, तो हम लोगों ने ये स्कूल बनाए। अशोक जी गहलोत ने हमको जोर देके 25,000 स्कूल का कमिटमेंट लिया है, जिसमें 10,00,000 बच्चे पढ़ेंगे और 3,00,000 महिलाएं स्किल डेवलपमेंट में आएंगी। एक भी महिला ऐसी बाकी नहीं रहेगी जो 10-15,000 रुपए कमाने नहीं लगे, क्योंकि छोटी उम्र में शादियां हो जाती हैं, 3-4 बच्चे हो जाते हैं। हमने देखा है कि राजस्थानी महिलाओं की जो विलक्षण बुद्धि है, ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ, अगर उनको सही कोचिंग दी जाएगी तो वो काम समेटने में बहुत माहिर हैं। घर का काम भी करेंगी, बाहर का काम भी करेंगी और कुछ न कुछ उत्पादन लेके आएंगी। तो ये ईश्वर कराएगा सब कुछ, और आप लोग सबकी, हम लोगों को बहुत बेस्ट विशेष चाहिए। 25,000 ये नंदघर बने, जिसमें कि सुबह बच्चे पढ़ें और उनको पौष्टिक आहार मिले। पूरी दुनिया में हम लगे हुए हैं, सारी दुनिया के लोग हमसे जुड़े हुए हैं कि पौष्टिक आहार में क्या दे सकते हैं जिससे बच्चों को भी इंटरेस्ट आवे, और कहानियाँ सुना सुना करके बच्चों को पढ़ाएं। हमने सब जगह टीवी लगाए हैं, और मैं कोई भी काम नंदघर में जो कि टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ नहीं है वो नहीं करेंगे, चाहे वो सोलार फैन हो, हर जगह बोरवेल हो, टीवी के माध्यम से फॉरेन वालों से बातचीत करके प्रोटीन बच्चों को दें। अगर 6 साल का बच्चा मजबूत हो गया और उसको संस्कार मिले कि हमको अपने माँ बाप की इज्जत करनी है, हम अपने दादा दादियों का ख्याल रखें, हम अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें, हम अपने गांव का ख्याल रखें, और उनमें से डर हटा दें, डर हटा के डर उनमें निकल जाए और बच्चों में रिस्पेक्ट करने की भावना आ जाए, ये हमारी इच्छा है और ये होके रहेगा। राजस्थान की धरती में एक अजीब ही खुशबू है, अजीब ही बात है, जो हमारे यहाँ संस्कार है, जो हमारे बच्चे, मैंने दुनिया में कहीं देखा नहीं कि जिस हिसाब से अपने माँ बाप
को देख रेख करते हैं, उनकी बात मानते हैं, जो पूरे गांव को चाचा ताऊ बना के रखते हैं, और कहीं है नहीं। तो ये जो हमारे यहाँ कल्चर है, इसको सबको अगर आप सम्मिलित कर लें तो ये तो स्वर्ग हो जाए। तो ये तो मैंने अब कहा भी है, इसको जितनी जल्दी करें, और व्यापारियों पर जितना विश्वास करेंगे, आप घोड़ा भी खरीदते हैं तो देख करके उसकी नस्ल क्या है, ठीक है ना, साथ उसके पुश्तैनी नकल देखते हैं। तो व्यापारी का भी नस्ल देखें कि उसके परिवार में अगर किया हुआ है। उसके अलावा आज के जो बिजनेस लड़के हैं, उन्होंने पढ़ा है, उनको भी प्रोत्साहन दें। और पैसे की दुनिया में कमी नहीं है, हमारे राजस्थान में जो हमारे सक्षमी नौजवान आ रहे हैं और लड़कियां आ रही हैं, जो राजस्थान की लड़कियां हैं वो स्पेशल हैं। मैं हरदम देखता हूँ हमारे यहाँ जितनी भी राजस्थान की लड़कियां काम करती हैं, उनकी बुद्धि विलक्षण है। लेकिन लड़कियों को एम्प्लॉय करने के लिए आपको एक पर्टिकुलर कल्चरल डेवलप करना पड़ेगा, उनकी नीड्स अलग हैं, उनकी रिक्वायरमेंट अलग हैं। तो वो अगर वो हम डेवलप करेंगे तो राजस्थान में बहुत दम आ सकता है, ये मेरे को लगता है। और हमारे यहाँ संगीत देखिए, हमारे यहाँ कलाकृति देखिए, टूरिज्म में, मैं तो लंदन में रहता हूँ, मेरे को एक भी आदमी विलायती ऐसा नींद मिलता है वो हिंदुस्तान आने की बात नहीं करता है, वो राजस्थान आने की बात करता है। उसको घाघरा चोली पहननी है, उसको आमेर ही जाना है। तो जब ऐसी बातें हैं तो वो अभी सब गवर्नमेंट के हाथ में है। अगर हम प्राइवेट को दें तो हमारी जो ट्रेन है पैलेस ऑन व्हील, उसको अगर हम और मॉडर्न कर दें, हर विदेशी उस पैलेस ऑफ व्हील में चलना चाहता है, उसको और मॉडर्न करें, उसको और अच्छा करें, तो उसको और निखारें, तो हमारी गरीबी दूर हो और हम पूरे हिंदुस्तान की गरीबी दूर कर सकते हैं। हम इसी क्षेत्र में ही आगे बढ़ना चाहते हैं। हमारा है कि अभी हम हिंदुस्तान जो है 85% तेल बाहर से मंगाता है, और हम जो तेल बनाते हैं वो करीब $12-15 में बनाते हैं, और $70 जो है हम गवर्नमेंट को टैक्स भरते हैं। हमारे हाथ में तो $5-4 ही बच पाते हैं, गवर्नमेंट टैक्स कम करे। तो मेरी पूरी दुनिया वालों से ये प्रार्थना है कि आप हिंदुस्तान में आएं और राजस्थान में आएं और यहाँ तेल निकालें, और इससे बहुत बड़ा फायदा होगा। वो लोग देख रहे हैं कि टैक्स में जितनी कमी हो और हम अपना फॉरेन एक्सचेंज बचा सकें और उस पैसे को हम अपने डेवलपमेंट में लगा सकें। ये तेल का काम हम बढ़ाना चाहते हैं, खुद के क्षेत्र में भी हम अभी 1,60,000 बैरल बनाते हैं, इसको हम 2,00,000 से 3,00,000 तक ले जाना चाह रहे हैं। गैस हम बनाते हैं, हमारी बहुत इच्छा है कि हमारी जो गैस यहाँ निकलती है वो ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थान के लोगों के काम में आए, सिटी गैस के काम में आए, छोटे छोटे शहरों के काम में आए, इंडस्ट्री के काम में आए। इसके अलावा जो हमने चांदी बनाते हैं, दुनिया की सबसे बढ़िया चांदी बनाते हैं, वो चांदी से छोटी इंडस्ट्रियाँ लगे, आज सोलार पैनल में भी चांदी लगती है, हमारे जितनी इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं उनमें भी चांदी लगती है, ज्वेलरी भी बहुत बढ़िया है, हमारी ज्वेलरी में हम लोग निपुण हैं राजस्थान वाले, ज्वेलरी की फैक्ट्री भी लग सकती है, जिंक है, जिंक के क्षेत्र में भी हम चाहते हैं डाउनस्ट्रीम में फैक्ट्रियाँ लगे। हम खुद अपने क्षेत्र में ही रहना चाहते हैं, उसका ही प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन हमारी दिल की इच्छा है कि छोटे छोटे व्यापारी आए काम करें, उसमें हम कुछ भी सहयोग दे सकें और राजस्थान में फैक्ट्रियाँ लगाएं, जिससे कि हम उनको जिंक देंगे, उनको लेड देंगे, लेड से वो बैटरी बना सकते हैं और कई तरह के कारोबार कर सकते हैं। तो ये हमारी बहुत इच्छा है। तेल में भी डाउनस्ट्रीम में कोई लुब्रिकेंट बनाना चाहे और भी कुछ बनाना चाहे तो हमें बहुत खुशी होगी। विकास की इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। साल 2010 के बाद बाड़मेर की प्रति व्यक्ति आय में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है और बाड़मेर अब जयपुर के बाद रैंकिंग में दूसरे स्थान पर है। बाड़मेर में सैकड़ों आरओ प्लांट्स, वाटर एटीएम्स के साथ साथ बायोगैस संयंत्रों के निर्माण, 7,000 से अधिक मवेशियों के बेहतर स्वास्थ्य के साथ डेयरी परियोजना के माध्यम से 5,000 से ज्यादा किसानों को लाभान्वित किया गया। लगभग 1.5 लाख लाभार्थियों को प्रभावित करने वाले 11 ब्लॉक्स में फैले 124 आरओ संयंत्रों के माध्यम से सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करवाया गया है। 7 मोबाइल हेल्थ वैन्स के साथ 80,000 से अधिक ग्रामीणों को लाभान्वित किया गया। जिला अस्पताल बाड़मेर में केयर्न समर्थित विशेषज्ञ डॉक्टर्स, जिसमें स्त्री रोग विशेषज्ञ, सर्जन्स, ENT चिकित्सक और दंत चिकित्सक, उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं से 31,000 से अधिक सदस्य लाभान्वित हुए। हाल ही में पशुओं में लंपी स्किन डिजीज के फैलाव को नियंत्रित करने में केयर्न के सहयोग से संचालित वेटरिनरी हेल्थ वैन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और अब समय है एक गीत का।
एक बार फिर स्वागत आप सभी का। आइए मरुमंगला की इस विकास यात्रा को आगे बढ़ाएं। राजस्थान में बाड़मेर तेल और गैस उत्पादन एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच गया है। आज जब वैश्विक परिदृश्य पर क्रूड ऑयल से जुड़े मुद्दे पहले से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुके हैं, तब मेक इन इंडिया और प्रोड्यूस इन इंडिया के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए घरेलू तेल उत्पादन को बढ़ाना होगा। इससे आर्थिक महाशक्ति बनने के सपने को साकार किया जा सकेगा। यही आजादी के अमृत महोत्सव पर हमारा लक्ष्य भी होगा। विकास की इस यात्रा में दुर्गा वाहिनी के रूप में महिलाएं भी जुड़ चुकी हैं। बाड़मेर के तेल क्षेत्र कई तरह के नवाचारों के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं। किसी जमाने में पुरुषों के एकाधिकार माने जाने वाले हाइड्रोकार्बन इंडस्ट्री में एक के बाद एक कई स्थानों पर यहाँ महिलाओं ने अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की है। पूर्व में यहां महिला युवा इंजीनियर्स की उपस्थिति में दुनिया के तेल क्षेत्रों में अनूठी पहल के रूप में अपनी पहचान कायम की और अब बाड़मेर के मंगला प्रोसेसिंग टर्मिनल पर सुरक्षा का जिम्मा महिला सुरक्षा कर्मियों की टीम को सौंपा गया है, जिसे दुर्गा वाहिनी के नाम से जाना जाता है। इस अनूठे प्रयोग के सुखद परिणाम भी सामने आ रहे हैं। हाल ही में शुरू की गई इस व्यवस्था के तहत बाड़मेर के तेल क्षेत्रों के आसपास ग्रामीण क्षेत्रों से आई सुरक्षा प्रहरी भी इसमें अपनी सहभागिता निभा रही हैं। यहां शामिल महिला सुरक्षा गार्ड्स बायतू, कवास, मूढ़ों की ढाणी, गिडा, नया नगर क्षेत्रों से हैं। तो आइए सुनते हैं वेदांता चेयरमैन अनिल अग्रवाल क्या कहते हैं। मैं तो समझता हूँ, मैं तो एक निमित्त हूँ। वो एक मैंने सुनी वो कविता, देनहार कोई और है जो भेजत दिन रैन, लोग भरम मोह पे करें ताते नीचे नैन। आप कर रहे हो, आप कर रहे हो, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी तो नजरें नीची हैं। कराने वाला कोई है, कर कोई और रहा है, मैं तो पोस्ट ऑफिस के जैसे काम कर रहा हूँ। लेकिन दिल की इच्छा जरूर है कि राजस्थान अपना समृद्ध बने, अच्छा बने, खुशहाल बने। यहाँ ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, जो स्वर्ग में है वो यहाँ नहीं। रेडियो से हमारा बचपन से लगाव है, बिना का मालक से लेके हम लोग बचपन से सुनते आए हैं। मेरे को जो लगता है, जो रेडियो के माध्यम से बात पहुंचती है और वो और किसी माध्यम से नहीं पहुंच सकती है, क्योंकि ये चाहे वो आदमी खाना बना रहा हो, चाहे काम कर रहा हो, वो सुन सकता है, उसके कान खुले रहते हैं। तो मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ कि आप रेडियो के माध्यम से कर रहे हैं, जिससे कि गरीब से गरीब तबके वाला आदमी भी वो इंटरटेन हो सकता है, उसको समाचार मिल सकते हैं, उसको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आपको बहुत बधाई।
आपसे यही है कि पॉजिटिव माइंड रखिए और मेहनत बहुत कीजिए, मेहनत करेंगे तो फल मिलेगा ही मिलेगा। और अब आपके लिए प्रस्तुत है ये गीत। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें। हम चाहें तो पैदा कर दें चट्टानों में राहें, हम चाहें तो पैदा कर दें चट्टानों में राहें। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना। अपना सुख भी एक है साथी, अपना दुख भी एक, अपना दुख भी एक है साथी, अपना दुख भी एक। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जल्ला बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत।
साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे। तो ये था हमारा आज का मरुमंगला का अंक। मिलते हैं आपसे शनिवार शाम 5:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे केयर्न ऑयल एंड गैस वेदांता लिमिटेड। मरुमंगला।